बारी। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम बनाने वाले हैं टेक्स्ट फील्ड, जो है हमारे इनपुट कंट्रोल्स का पहला टॉपिक। फर्स्ट पार्ट हमने हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि फॉर्म जो बनाते हो तो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है और कब कहाँ पे उनको यूज करना है, राइट। तो अब हम एक एक टॉपिक को पकड़ के उसको इलैबोरेट करने वाले हैं कि जब भी आप एचटीएमएल वो डिजाइन करते हो तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो कैसे डिजाइन किया जाए इफेक्टिव वे में, और उसको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि आपका ज्यादा ज्यादा टाइम बचे चेंजेस करने के बाद, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है टेक्स्ट फील्ड। तो इस टेक्स्ट फील्ड में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस हैं, डिफॉल्ट, होवर, फोकस, एक्टिव, टाइप, डिसेबल, वेरिफिकेशन, सक्सेस और एरर, राइट। ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती है जब भी आप कोई फॉर्म डिजाइन करते हो या कोई टेक्स्ट फील्ड डिजाइन करते हो, क्योंकि ये स्टेजेस आने ही वाले हैं, राइट। तो अब ये एक एक स्टेप को हम देखने वाले हैं कि डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, होवर क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फाइल मैं आपके साथ पक्का शेयर करने वाला हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैंने एक कलर पैलेट हम बना लिया है, ये आप देख सकते हो, ये एक यूआरएल भी मैंने दे दिया है यहाँ पे आपको। तो ये कलर पैलेट मैंने बना लिया है कि मेरा प्राइमरी कलर ये होगा, टेक्स्ट कलर मैं यूज करने वाला हूँ और व्हाइट कलर यूज करने वाला, राइट। उसके कुछ सेकेंडरी कलर जैसे पॉजिटिव होने के बाद ये इफेक्ट आएगा, ये कलर आएगा, कोई प्रोसेस हो रहा है तो ये, और कुछ पॉजिटिव हुआ है तो ये कलर आएगा, राइट। तो इसमें से कुछ डार्कर शेड्स मैंने होवर, डिसेबल, ये सारी चीजों पर मैंने बना के रखे, राइट। तो ये मेरा कलर पैलेट रेडी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन्हीं को मैंने आई गेस यहाँ पे भी बना के रखा है, ये देखिए ये पहले से बन चुके हैं, ये मेरा प्राइमरी कलर, ये टेक्स्ट कलर है और ये मेरे सेकेंडरी कलर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट फील्ड को बनाना कैसे है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो पहले तो हम एक कंटेनर ले लेते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है कंटेनर। उसमें हर फील्ड में एक कंटेनर होता है। इसकी हाइट आप एक काम कर सकते हैं, इसकी विड्थ पहले हम डिफाइन कर लेते हैं 330। ये डिपेंड करता है कि यार आपको कितनी विड्थ रखनी है, राइट। मतलब मान लीजिए आपको एड्रेस टाइप करने के लिए बोल रहे हो, राइट। तो आप छोटी फील्ड नहीं रख सकते हो, आपको टेक्स्ट की फील्ड जो है लंबी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका इनपुट जो टेक्स्ट आने वो लंबा है, राइट। मान लीजिए आप कहीं पे फोन नंबर एंटर करने के लिए बोल रहे हो तो आपको पता है वो 10 डिजिट से ज्यादा जाने नहीं वाला है, या फिर पिन कोड आप जब पूछते हो यूजर को तो वो सिर्फ 6 डिजिट का होने वाला, राइट। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक विड्थ नहीं है, वो डिपेंड करता है इनपुट्स में क्या क्या आने वाला है, राइट। तो एक हमेशा याद रखना, कोई स्पेसिफिक विड्थ मेंशन नहीं होती है कहीं पे भी फील्ड की, ठीक है। हाइट जरूर होती है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम ऐड करने वाले हैं टेक्स्ट। तो मैं इसमें बोलूंगा टाइटल, ठीक है। अब ये टाइटल फॉन्ट साइज इसको मैं मेंशन करता हूँ, एक आप एवरेज पकड़ सकते हो 16 to 14, ये आसपास आप फॉन्ट साइज रख सकते हो, जो एक एवरेज साइज हम पकड़ते हैं कि हाँ ये साइज एवरेज सही दिखती है, राइट। बड़ी भी नहीं, छोटी भी नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 16। और हमेशा एक चीज याद रखना, इसको टेक्स्ट के और फील्ड के सेंटर में हम ड्रॉ करते हैं इसको, लेकिन मेक श्योर ये गैप जो भी है ये ऊपर से नीचे से ये सेम होना चाहिए, और वही गैप हमारा लेफ्ट से भी उतना ही होना चाहिए। मान लीजिए ये देखिए मैंने 3 बॉक्स रख दिए हैं, इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ, राइट। तो इसको थोड़ा सा और सरका देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये प्रॉपरली अलाइन हो चुका है, मैं मुझे इन बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मेरा दो दो एलिमेंट्स बन चुके हैं, एक तो मेरा कंटेनर, एक है मेरा टाइटल, ठीक है। ये दो चीजें बन चुकी है। अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट बना के रखनी पड़ती है आपको हर बार, वो है आपका एक मैसेज। वो पॉजिटिव मैसेज, नेगेटिव मैसेज हो सकता है या इंस्ट्रक्शन वाला मैसेज हो सकता है, ठीक है। और हाँ, तो इसकी फॉन्ट साइज कितनी रखनी है, हमेशा याद रखना छोटी से छोटी साइज जो भी है वो 12 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। आपके 12 पिक्सल इतना होता है कि वो आंखों में दिखता भी है लेकिन इतना भी छोटा नहीं हो जाता, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ इससे, और अब हमको एक विड्थ डिफाइन करनी है टेक्स्ट की। मतलब जैसे आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि विड्थ जो फील्ड होती है उसकी विड्थ डिफाइन नहीं होती, लेकिन टेक्स्ट की फील्ड कैसे विड्थ कैसे डिफाइन हो सकती है, राइट। तो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे मान सकते हो आप यहाँ पे ये इसके राइट साइड से आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो 26 पिक्सल में पकड़ता हूँ, ठीक। हमारा आई गेस इतना था, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। एक कंटेनर मैंने बना लिया जस्ट, ओके। इसकी विड्थ देख सकते हो 27, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जितना गैप लेफ्ट में है उतना गैप राइट में भी रहे, क्योंकि
राइट। जैसे भी मान लो कि अब आपको जब टेक्स्ट टाइप करते हो, आप बनाते हो, तो इसको ऐसे करना है और इसको इस तरह से कर देना है। ये हो गई मैक्सिमम विड्थ ऑफ टेक्स्ट। इससे ज्यादा टेक्स्ट लंबा नहीं हो सकता अगर आप इस विड्थ में बड़ा बना रहे हो इसको, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, इस चीज को कभी भूलना नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसको हाइट दे देता हूँ। चलो यार एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है। चलो इस तरह से हम रख देते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये मुझे प्रॉपर लग रहा है, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए हमने अभी विड्थ डिफाइन कर ली, वैसे ही हमें नीचे वाले जो है इसका भी विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा। इसको भी मैं आप आसपास इस तरह से रख सकते हो, ये जो विड्थ है इसकी, इस फील्ड की मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पे आके इसको सिर्फ पेस्ट कर दिया मैंने। जैसे आप यहाँ पे आइए पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, राइट। तो मैसेज कितना भी लंबा हो इससे बड़ा नहीं होने होना चाहिए, राइट। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, मेरा एक फील्ड बन चुका है, इसको मैं निकालता हूँ अब, ठीक है। ये मेरा एक पार्ट बन गया है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा बेसिक लेआउट है, इसको राइट क्लिक करके मुझे एक चीज डिफाइन करनी है। राइट क्लिक करो, अब मेक कॉम्पोनेंट, ठीक है। मैंने एक कॉम्पोनेंट बना लिया, अब इसका कॉम्पोनेंट बन चुका है, राइट। मेक श्योर आप इसको कॉम्पोनेंट बना के रखें, जब भी आपके बेसिक चीजें बन जाती है, जैसे कंटेनर, टाइटल और सब टाइटल जो भी है हमारा, एरर मैसेज ये चाहिए हमको वहां पर, ठीक है। तो जब भी बन जाता है तो मेक श्योर आप उसको कॉम्पोनेंट बनाए, इसका एडवांटेज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं चाहता हूँ, ये तो मेरा डिफॉल्ट स्टेज है, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो है इसके रेडियस, मुझे लग रहा है इसको मैं 20 मतलब 15, ठीक है। चलिए मुझे लग रहा है 15 सही है, ठीक है। फॉन्ट साइज और कलर, ठीक है। तो मैं कलर अभी एक काम करता हूँ, इसको बॉर्डर ये कलर कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर ये कर देता हूँ, सॉरी ये टेक्स्ट और ये, मैं सिर्फ कलर कोड कलर पेस्ट कर दे रहा है वहाँ पे डाल दिया। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। जब भी टेक्स्ट फील्ड आपके सामने आती है, राइट, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। अब ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये जो कलर है ये ब्लैक, ये पूरा 100% है, राइट। हम क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, जो इसको थोड़ा सा सटल दिखे, ये 70%, ठीक है। वैसे मैं इसको भी कर देता हूँ 70%, आप यहाँ पे आके 70% डाल दीजिए, ठीक है। ठीक है तो ये हो गया है मेरा 70-70%, ठीक है। सारी फील्ड 70%, तो ये बन गई मेरी डिफॉल्ट स्टेज, ठीक है। कौन सी, ये मतलब जब भी आप फॉर्म ओपन करते हो, आपके सामने जो बिना टच किए फील्ड दिखती है उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट स्टेज, राइट। तो ये चीजें हो चुकी हैं मेरी। अब मैं बनाने वाला हूँ इसका होवर इफेक्ट। अब होवर इफेक्ट बनाना ईजी है, क्योंकि XD में ये पहले से स्टेट बन चुकी है, राइट, बना बना दी है इन्होंने। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और सॉरी मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, किसको, मेरे इस पार्ट को मैं आता हूँ यहाँ पे लेके, ठीक है। अब आप चीज हमेशा याद रखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक है होवर स्टेज स्टेट, ठीक है। मैं होवर स्टेज बना रहा हूँ, स्टेट बना रहा हूँ, ये पहला स्टेट है ये, और दोनों सेम है इसलिए आपको पता नहीं चलो कि कौन सा है, ठीक है। तो मैं होवर स्टेज सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ। अब होवर मतलब जब भी माउस ओवर किसी माउस किसी के किसी ऑप्शन बटन के ऊपर जाता है, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो क्लिकेबल है, कुछ इफेक्ट होना चाहिए वहाँ पे, कुछ एनिमेशन हो, किसी यूजर का पता चले कि हाँ ये क्लिकेबल है, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जब भी यूजर यहाँ पे आए तो ये है ना थोड़ा सा वाइड हो जाए, थोड़ा सा इस तरह से। मैंने सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ा दी है, राइट, लेफ्ट से और राइट से इतना ही किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको है ना एक ग्लो दे देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ग्लो की जरूरत नहीं है। इसकी जो बॉर्डर है ये है मेरी, ठीक है मैं काम करता हूँ इसको इस तरह से कलर देता हूँ, राइट, ये, या फिर इसको मैं ये करके इसको 70% कर देता हूँ, ठीक है। होवर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट फील्ड भी इसी कलर की हो, जब भी वो यहाँ पे आए, मैसेज भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैसेज की इतनी आपको फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि फिलहाल मैसेज जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो ठीक है इसको ऐसे ही रखते हैं, हमारा सेकेंड स्टेज में बन चुका है होवर इफेक्ट, ठीक है। ये होवर इफेक्ट बन चुका है हमारा, अब टाइम है इसको टेस्ट करने का, ठीक है कैसे हो रहा है। मैं जाता हूँ प्ले में, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जब भी मैं होवर कर रहा हूँ इसका कलर चेंज हो रहा है और वो विड्थ बढ़ रही है, देखिए ये बहुत स्मूथ और क्यूट एनिमेशन लग रहा है, राइट।
चलिए, हमारा होवर स्टेज बन चुका है, अब हम बनाने वाले हैं फोकस स्टेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ इसको। यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ न्यू स्टेट और इसको मैं नाम दे देता हूँ फोकस। ठीक है, चलिए। अब फोकस मतलब जैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई सिलेक्टेड फील्ड सिलेक्ट होती है तब हम उसको बोलते हैं फोकस्ड। ठीक है, चलिए। तो अब मैं चाहता हूँ यूजर को जब भी ऐसा लगे कि ये फील्ड सिलेक्टेड है तो कुछ डिफरेंशिएट करे वो बाकी फील्ड से भी। ठीक है, तो चलिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी यूजर यहाँ पे आए और वो वहाँ पे क्लिक करे या इस फील्ड सिलेक्टेड हो तो ये हो जानी चाहिए इस कलर की। ठीक है, इसकी ओपेसिटी जितनी है उतनी। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो फील्ड है ये तो ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ देख लीजिए आप, मैं कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ इसको इसको। अब क्यों कॉपी किया वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। मैं काम करता हूँ इसके पीछे ना एक व्हाइट कलर की लाइन बना देता हूँ। ये बहुत बार आपने देखा होगा गूगल के फॉर्म्स में, गूगल के फॉर्म्स और फील्ड्स इस तरह से होती है। इसमें टाइटल जब आप प्रेस करते हो, जब सिलेक्ट करते हो तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो मैं इसको करता हूँ 12, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसके वेट कर देता हूँ कम। अब ये टाइटल मुझे पता नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि भाई ये इतना गैप कितना रखना है, तो मैं भी जस्ट मेरे हिसाब से रख रहा हूँ इसको। इसके वेट जो है वो ये 70%। ठीक है, ये इसको मैं काम करता हूँ। यूजर को ये सेलेक्टेड दिखना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे आ गया यूजर, अब टाइप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, या फिर एक काम करते हैं इसको मैं हाइड करके रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जब भी यूजर आए तो उसको जब वो एक्टिव स्टेज में हो वो ऐसा कुछ दिखे उसको। ठीक है, अब देखिए डिफॉल्ट यहाँ पे और फोकस। ठीक है, फोकस ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा ये फोकस ग्रुप। ठीक है, फोकस स्टेट। अब मैं एक और स्टेप बनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे यूजर टाइप करने के बाद वो फील्ड कैसे दिखेगा वो मुझे बता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इसको लेके इस तरह से। अब मैं इसको फिर से ग्रुप बना लेता हूँ, सॉरी इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसी को सेलेक्ट किया था तब ये बनाया, तो इसलिए ये कॉपी हो गया पूरा। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूँ टाइप्ड। ठीक है, ये मेरा टाइप स्टेट बन चुका है। अब टाइप स्टेट में क्या है, टाइटल तो आ गई लेकिन जो लिखा हुआ है वो भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं उसको बोलता हूँ टाइप। ठीक है, ये टाइटल आ गया, ये टाइप आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाट हो चुकी है। तो जब ये टाइप हो जाए तब यूजर को लगना चाहिए कि भाई ये टाइप हो चुका है, राइट। लेकिन हमेशा याद रखना पहले स्टेज में जैसे ये है यही प्रॉपर्टी हमको उसको देना है, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड जो फील्ड टाइप हो चुके हैं वो हर बार हाईलाइट हो रही है यूजर के सामने कि ये हो गया हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार टाइप हो गया दैट्स इट, उसका अटेंशन दूसरे फील्ड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब टाइप हो जाए तो हम ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ये है 70%। ओके, और आई गेस ये भी 70% हमने रखी। ठीक है, ठीक है, तो मैं आता हूँ मेरे टाइप में, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जो फील्ड है मेरा इसको फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कलर चेंज कर देता हूँ। हमारा ये हो गया 70%, इसको मैं 70%, ये तो सही है। और ये 70% नहीं होना चाहिए, राइट। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये 80% हो जाए, यूजर को लगे कि हाँ ये टाइप हो चुकी है फिर। ठीक है, इसीलिए। या फिर इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको और थोड़ा सा लाइट कर सकता हूँ जिससे यूजर का ध्यान यहाँ पे जाए। तो मैं काम करता हूँ इसको 60% कुछ। हाँ ठीक है, चलिए 60% कर देते हैं। चलिए, ये हो गया है मेरा टाइप स्टेट। ठीक है, अब मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे डिसेबल। अब डिसेबल कैसे करना है आपको, डिसेबल मतलब इनएक्टिव। यूजर को लगना चाहिए कि ये टाइप नहीं हो सकता, ये सिलेक्ट भी नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं हो सकता मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी यूजर किसी फॉर्म में आता है एडिट करने के लिए, कुछ फील्ड्स हम एक्टिव दिखाते हैं मतलब एडिटेबल दिखाते हैं, और कुछ फील्ड्स हम डिसेबल दिखाते हैं कि मतलब यूजर को लगे कि हाँ इस पर क्लिक करके कोई फायदा नहीं क्योंकि ये डिसेबल फील्ड है। ठीक है, तो डिसेबल में क्या होगा, नॉर्मली डिसेबल मतलब ऐसे भी हो सकता है कि एम्प्टी एम्प्टी हो फील्ड, राइट, और कभी ऐसे होते हैं कि वो टाइप्ड हो। ओके, तो मोस्टली वो टाइप्ड जो होता है उस स्टेज में हम उसको डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, डिसेबल है ये टाइप्ड है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, मैं इसको बोलता हूँ डिसेबल्ड। ठीक है, ये मेरी नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें करना क्या है आपको, इसकी ओपेसिटी इतनी कम कर देनी है कि यूजर को पता लगे कि ये बाकी फील्ड से धुंधली दिख रही है, ब्लर्ड दिख रही है या एक्टिव नहीं है, राइट। तो मैं आइडियली मैं इसको 40% कर देता हूँ सारी चीजों को जो भी है ये। ठीक
मैं यहाँ पे आता हूँ, ये भी 40%, 40%, ठीक है। तो ये मेरी बन गई है डिसेबल स्टेट, ठीक है। आप खुद ही देख लो। अब मैं डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है। टाइप्ड देखिए आप, ये देखिए टाइप्ड है, ये डिसेबल है। तो यूज़र को एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये टाइप्ड है, मतलब ये एडिट कर सकते हैं, और ये डिसेबल है, इसका कलर बाकियों से बहुत धुंधला है या लाइट है, इसकी वजह से इसको पता चलेगा यूजर को कि ये डिसेबल्ड फील्ड है, ठीक है। ये बन चुका है मेरा डिसेबल्ड फील्ड। अब नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्टम वहीं पे, जैसे मान लीजिए आपने यूपीआई आईडी डाल दिया, वहां पे सामने एक बटन होता है वेरीफाई, तो वहीं पे प्रोसेस होता है, राइट। आपको किसी और स्क्रीन पे नहीं जाना होता है। मान लीजिए यूपीआई आईडी अगर वो सही है, तो आपको एक एरर, मतलब वो एक मैसेज दिखाता है कि हाँ आपका यूपीआई आईडी सही है, या ऐसे भी हो सकता है वो गलत है, ठीक है। तो ये दोनों करने के पहले एक स्टेप होती है, वो वेरिफिकेशन करता है, मतलब वो प्रोसेस करता है। तो यूजर को थोड़ा सा वेट करने के लिए हम कहते हैं, राइट। तो उस स्टेट में क्या होता है, मान लीजिए यूजर ने इसको टाइप कर दिया है, ये टाइप कर लिया है, और हमको यहाँ पे एक मैसेज दिखाना है उसको, इस तरह पे, यही पे कहीं पे, ठीक है। टाइप करने के बाद ही वेरिफिकेशन होगा, राइट। तो हम इसको कॉपी करते हैं, न्यू स्टेट, इसको मैं बोलता हूँ वेरिफिकेशन स्टेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके आ गया, अब मैं हूँ वेरिफिकेशन स्टेप में, ठीक है, स्टेट में। तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, जब भी वेरिफिकेशन होता है तो यूजर को ये दिखाओ कि भाई कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही है, राइट। तो इस फाइल में मैंने आपको कलर पैलेट दिया है और एसेट्स भी दिए हैं, राइट। ये जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरे एसेट्स हैं, और इसको आप ले सकते हो कॉपी। मान लीजिए जैसे हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आप कोई आइकन यूज करते हैं तो पहले उसको एज कंपोनेंट बना लो। तो जैसे ये आइकन है, सारे आइकन आपके एज कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए, तो मैंने पहले ले लिया प्रोसेसिंग, तो मैं इसको रोटेट करने वाला हूँ, ठीक है, बाद में इसका एनिमेशन बाद में करना, ठीक है। तो मैंने अभी पहले उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे प्रोसेस हो, यह है यहाँ पे, मतलब कुछ टाइप कर दिया यूजर ने, उस वक्त यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे दिखा सकते हो इसको, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, सॉरी, जस्ट मिनट, ठीक है, मैं इसको छोटा करता हूँ। अब ये एनिमेशन कुछ होगा यहाँ पे, जिससे वो स्पिनर होगा यहाँ पे, जिससे यूजर को पता चलेगा कि ये रोटेट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, राइट। उसी वक्त हम इसको इसको एक ये मैसेज है, मैं यहाँ पे अलर्ट, अब हमको मैसेज की जरूरत है, राइट। तो मैं काम करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको अलाइन करता हूँ यहाँ पे, कि बहुत दूर चला गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सही होगा वो, इस तरह पे, ठीक है। मैं इसको निकालता हूँ, मतलब देखिए ये बाहर है, राइट, देखिए आप, ये बाहर है, इसके अंदर नहीं है, तो मुझे इसको इसके अंदर डालना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये चला गया इसके अंदर, ठीक है। एरर मैसेज जो है मेरा, आई गेस हमने इतनी विड्थ दी थी उसको, तो हम यहाँ पे रखेंगे उसको, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना सबसे अच्छा यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है, तो यूजर को यही पता होना चाहिए। इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे हम कुछ भी अलर्ट मैसेज दिखा सकते हैं कि हाँ यार कुछ प्रोसेस हो रही है, राइट, यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि मैंने कुछ कलर्स बना के रखे, प्रोसेस जब होता है तो यूजर को लगना चाहिए कि प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मेरा एक कलर है यहाँ पे, ये प्रोसेसिंग के लिए मैं यूज करने वाला, ये है मेरा येलो कलर, ठीक है, क्लोज टू ऑरेंज है। तो यूजर को पता चलेगा कि भाई जैसे जस्ट मान लीजिए कि प्रोसेसिंग, ओके। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है, मैं एक काम करता हूँ, इसको टाइटल चेंज करना, प्रोसेसिंग दिस समथिंग कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, या वेरिफिकेशन, वेरीफाइंग, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये हम स्पिन कर सकते हैं, हम डेवलपर को बता सकते हैं कि भाई ये स्पिन हो सकता है, इसको स्पिनर दिखा दो, किसी यूजर को पता चले कि भाई ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब मान लो ये प्रोसेस होने के बाद सक्सेस मैसेज दिखाने कि हाँ भाई सब सही है, ये जो आपने डाला है वो वेरीफाइड है, ये सही है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको यूजर को दिखाने की भाई तीनों जो एंटर किया है वो सही है, मतलब ग्रीन कलर का, नॉर्मली ग्रीन एक पॉजिटिव वे में इंडिकेट इंडिकेट करता है यूजर को। तो हम एक काम करते हैं, इसी को अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना भाई कि हाँ ये सही है, राइट। ये क्लिक मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, राइट, इसको ग्रीन कलर के दिखा सकता हूँ, ग्रीन कलर दिखा सकता हूँ, हाँ ये प्रोसेस सही है। तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ सक्सेस,
ठीक है, यहाँ पे आ गया, क्या हो गया मेरा सक्सेस को, मैं यहाँ पे लेके, अब मैं देखिए सक्सेस स्टेट में हूँ, स्टेट में हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेस, सक्सेसफुली वेरीफाइड। चलिए मैंने ये डाल दिया टेक्स्ट। अब इसमें कलर भी होना चाहिए राइट, तो मैंने एक कलर डिफाइन किया था यहाँ पे ग्रीन, मुझे लग रहा है कि ओपेसिटी कम हो गई, मैं इसको ये ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब ग्रीन कलर दिखाना है मुझे यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग इसको भी ग्रीन कलर कर देते हैं, आप वो कर सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है राइट। एक हल्का सा मैसेज दिखा दो कि भाई ये सही है और बस आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे मैंने एक चेकबॉक्स भी दिया है, यहाँ पे एक मैंने राइट दिया है, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो राइट। एक मिनट, मैं इसको रिसाइज करने वाला हूँ, इसलिए रिस्पॉन्सिव रिसाइज मैंने कंपोनेंट जो मास्टर कंपोनेंट है उसकी ऑफ कर दी है राइट, तो अब ये सही से हो जाएगा। चलिए अब ये जो है इसकी हाइट और कितनी है, 15 बाय 15 राइट, मैं इसको भी कर देता हूँ 15 बाय 15, ठीक है, ये आ गया मेरा। मैं अब देखिए ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है राइट, ये एक अलग है, मैं इसको कट करता हूँ, ग्रुप को डबल क्लिक करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, मेरी एक आदत है राइट। मैं देखिए दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, उसी जगह पे बिठाने के लिए मैं उसको लेफ्ट और टॉप में बिठा देता हूँ, ये देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये आ गया, इसको डिलीट करते हैं बस। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एक ये, चलिए तो अब मैंने जो भी टाइप किया है वो वेरीफाइड है, ग्रीन कलर दिख रहा है यूजर को राइट। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर सक्सेस दिखा सकते हो तो एरर भी इसी वे में दिखाना पड़ेगा कि नहीं यार एरर मैसेज समथिंग कुछ ऐसा कि जो टाइप किया है वो अवेलेबल नहीं है, समथिंग कुछ निगेटिव दिखाना है राइट। तो हम क्या करेंगे, इसी को स्टेट, न्यू स्टेट, मैं इसको बोलता हूँ एरर, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ अब, ठीक है, ये हो गया मेरा पहला वाला। अब मैं इसको करता हूँ कलर चेंज, अब ये एरर है तो इसका कलर रेड होना चाहिए, तो मैंने कलर रेड दे दिया। अब सिंपली सिंपल मैंने जैसे सक्सेस दिखा था वैसे एरर भी दिखाना है, यहाँ पे एक आइकन है राइट इस फाइल में, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए मेरा ये आइकन है, ये हमें हमें करना है 15 बाय 15, क्योंकि यहाँ पे जो आइकन वो यूज हुआ है 15 बाय 15 का है, तो मैं इसको कलर, इसका कलर चेंज, हाँ चलिए मैं इसको करता हूँ कट, इस फील्ड, इस ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ लेफ्ट टॉप, हो गया, मैं इसको करता हूँ कट, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रेड, ठीक है, देखिए हमारी एक फील्ड ओके, तो आप देख सकते हो हमारा डिफॉल्ट स्टेट बन चुका है, होवर इफेक्ट बन चुका है, फोकस बन चुका है, टाइप्ड बन चुका है, डिसेबल बन चुका है, वेरीफाइड बन, वेरिफिकेशन बन चुका है, सक्सेस और एरर ये सारे स्टेट्स हमने बना लिए राइट। वो सिर्फ एक ही इसमें, नॉर्मली बहुत लोग अलग अलग बना के रखते हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, जिससे डिफिकल्टी हो सकती है आपको इन फ्यूचर में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक ही डिज़ाइन को स्टेट्स में क्यों कन्वर्ट किया, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक फॉर्म हम डिज़ाइन करते हैं, एक टमी फॉर्म, ठीक है, मैं एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा एक फील्ड है, ठीक है। अब मुझे एक फील्ड चाहिए डिज़ाइन करने के लिए राइट, तो मान लीजिए अब हमेशा याद रखना कॉम्पोनेंट को कभी भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, कॉम्पोनेंट को हमेशा साइड में रखना है, तो मैं हमेशा कॉपी, ये जो है मैं डिफॉल्ट स्टेट में लेके जाता हूँ कॉपी, और इसको करता हूँ पेस्ट। तो जब भी मैं डिज़ाइन करूँगा, मान लीजिए ये एक फॉर्म है, ये मेरा एक फॉर्म है, और पीछे जो एक ग्रे एरिया है, मान लीजिए ऐसे कुछ फॉर्म मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लूइश, या मैं पूरा ही ब्लू कर देता हूँ इसको, चलो टेम्पररी रेडियस दे रहे 20, ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेंटर्ड, ठीक है, ये मेरा बन गया फॉर्म का पैलेट, मैं इसको लॉक कर देता हूँ। हाँ अब हम काम करते हैं, ये जो फील्ड है ये इस तरह से, अब जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो आपको ये यूज करना है, चाइल्ड, ये पेरेंट है मतलब मास्टर, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है, कभी भी चाइल्ड पेरेंट का यूज कभी नहीं करना है डिजाइनिंग में, ठीक है। जब भी आप डेवलपर को देते हो फाइल, जब भी डिलीवर करते हो, आपको ये भी देना है उसको, ये स्टेट्स है ना, दिखाना है उसको कि भाई जब भी तू बनाएगा
तो एरर मैसेज ऐसे दिखाना, सक्सेस मैसेज ऐसे दिखाना, वेरिफिकेशन वॉट एवर जो भी है वो सारी चीज़ें ऐसे दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। स्टेट्स कभी भी भूलना नहीं है बनाना, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत तकलीफ देने वाली है। हम काम बचाने के लिए सिर्फ ये एक स्टेट बना देते हैं कि डिफॉल्ट ऐसे दिखेगा, देखने में भी अच्छा दिखता है, लेकिन जब वो डेवलपमेंट में जाता है तो डेवलपर एक्चुअली आपको पूछता है कि होर पे क्या इफेक्ट देना है, एरर मैसेज कहाँ पे दिखाना है, सक्सेस मैसेज कहाँ पे दिखाना है, राइट। बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, ठीक। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि स्टेट्स स्किप नहीं करना है वाइल्ड डिजाइनिंग, ठीक है। चलिए चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ आपके आपके सामने। टिल देन आप इस फाइल को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो और एक्चुअल प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने हैं। नेक्स्ट वीडियो आने के बाद हम एक एक कंपोनेंट्स को ऐड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, चलो बाय। Stay creative. Bye.